हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील बघेल, फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राइटर क्रैम की, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये किसी भी एज के पर्सन को हो सकती है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको राइटर क्रैम की प्रॉब्लम होती है पर आपको पता ही नहीं होता है कि आपको राइटर क्रैम है, और ये आपके हैंड की मसल्स की ओवर यूज के कारण होता है। जब भी आप ओवर राइटिंग करते हैं, जरूरत से ज्यादा राइटिंग वर्क करते हैं, बहुत सारे लोगों का जॉब राइटिंग वर्क होता है, और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी राइटिंग वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है, जिसके चलते कई बार उनको राइटर क्रैम की प्रॉब्लम हो जाती है और इससे उनकी राइटिंग स्पीड भी स्लो होती है और प्रॉपर तरीके से राइटिंग भी नहीं बन पाती, और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि उन्हें ये प्रॉब्लम हो गई है। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए आज मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको करके आप अपने वर्क परफॉर्मेंस को भी बेहतर बना सकते हैं और अपनी राइटिंग स्पीड को भी मेंटेन रख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बट स्टार्ट करने के पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। फ्रेंड्स, राइटिंग वर्क जब भी आप करते हैं तो आपके हैंड की मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसमें हमारी थिनर मसल्स, हाइपोथिनर मसल्स, लम्बराइकल्स, इंट्रिंसिक मसल्स शामिल होती है, और ये छोटी छोटी मसल्स होती है जो कि आपके फाइन मूवमेंट को फाइन वर्क करने में हेल्प करती है। और जब आप इनका ओवर यूज कर लेते हैं तब जाकर ये स्वेल्ड भी हो जाती है और कई बार मसल डिस्टोनिया भी हो जाता है, जिसके कारण आपको राइटर क्रैम हो जाता है। तो जिस किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, या फिर जो लोग अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग भी इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको अपने हैंड की मसल्स को रिलैक्स करना होगा। रिलैक्स करने के लिए आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से क्रॉस फिंगर करके हल्का इस तरीके से मसाज करना है, जिससे आपकी लम्बराइकल और इंट्रिंसिक मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। इसे आपको 1 से 1.5 मिनट तक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको इस तरीके से थंब की सहायता से अपनी थिनर हाइपोथिनर मसल्स को भी रिलैक्स करना है, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करके। राइटिंग वर्क जब भी आप करते हैं तो आपका थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, इसलिए स्पेशली इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जब ये आपका रिलैक्सेशन हो जाए, इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से फिस्ट को बांधना है। नॉर्मली इस तरीके से फिंगर बंद करेंगे हम, और धीरे धीरे करके आपको इस तरीके से फिस्ट बांधना है, और धीरे धीरे इस तरीके से आपको खोलना है। अगेन मैं रिपीट करके बता देता हूँ, इस तरीके से आपको फिंगर को फिक्स करना है और इस तरीके से अगेन इसको खोलना है। सेकेंड, आपको स्प्ले करना है, इस तरीके से पूरी फिंगर को जितना हो सके स्ट्रेच करना है और फिर मिलाना है, अगेन स्ट्रेच करना है फिर मिलाना है। इसे भी आप 5 to 10 times रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको अपने थंब मूवमेंट को करना है, इस तरीके से आपको थंब का एब्डक्शन करना है इस तरीके से, इसे भी आप 10 times रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आते हैं स्ट्रेचिंग में, जिसमें आपको फोर आर्म और हैंड की मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है। इसके लिए नॉर्मली आपको इस तरीके से फोर आर्म को स्ट्रेच करना है, इसे 10 seconds होल्ड करना है, देन रिलैक्स, अगेन इसको स्ट्रेच करना है, 10 seconds इसे होल्ड करना है, देन रिलैक्स। इसे भी आप 5 to 10 times रिपीट कर सकते हैं। इसी की तरह आपको इस तरीके से अपोजिट साइड से भी इसको स्ट्रेच करना है, आपको ये इस हिस्से में स्ट्रेच फील होगा, 10 seconds इसे होल्ड करना है, देन रिलैक्स, अगेन इसको स्ट्रेच करना है, 10 seconds होल्ड करना है, देन रिलैक्स। इसे भी आप 5 to 10 times रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नर्व को स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि मसल्स को सप्लाई करती है और जिससे उनका मोटर फंक्शन इंप्रूव होते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अल्लर नर्व की स्ट्रेचिंग के लिए आपको इस तरीके से अपने हाथ को यहां प्लेस करना है और जितना हो सके स्ट्रेच करना है, आपको अपने फोर आर्म में और आर्म में स्ट्रेच फील होगा, इसे 10 seconds होल्ड करना है, देन रिलैक्स, अगेन इसको इस तरीके से प्लेस करना, हैंड को स्ट्रेच करना, 10 seconds होल्ड करना, देन रिलैक्स। रेडियल नर्व की स्ट्रेचिंग के लिए भी नॉर्मली आप इस तरीके से हाथ को कलाई से फ्लेक्स कर सकते हैं, अपोजिट साइड नेक को टर्न करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, 10 seconds इसे होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स, अगेन इसको स्ट्रेच करेंगे, नेक को अपोजिट साइड टर्न करेंगे, 10 seconds होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। इसे भी आप 4 to 5 times रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं हैंड मसल्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए। स्ट्रेंथनिंग के लिए आप इस तरीके से रबर ले सकते हैं, ये फिंगर एक्सरसाइजर है, आप नॉर्मल रबर का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को इस तरीके से फिक्स कर लें और इसको इस तरीके से स्ट्रेच करना है, इसके 10 रिपीटेशन करना है। इसी तरीके से आप मिडिल फिंगर के साथ भी इंडेक्स, मिडिल फिंगर और थंब को ले सकते हैं, इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है 10 रिपीटेशन के साथ। अगर आपके पास इस तरीके का फिंगर एक्सरसाइजर नहीं है तो आप नॉर्मल रबर का भी यूज कर सकते हैं, इलास्टिक का, जिससे आपकी फिंगर में रेजिस्टेंस आएगा और आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो पाएगी। नेक्स्ट आप अपनी रिस्ट को भी रिलैक्स कर सकते हैं, इस तरीके से आपको रिस्ट पे मूवमेंट करना है, इसमें आप अल्नर डेविएशन और रेडियल डेविएशन भी कर सकते हैं इस तरीके से।
इन एक्सरसाइज को करने के पहले आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज करने के पहले ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हल्के गुनगुने पानी में आप सिकाई भी करें। आप गुनगुने पानी में हाथ डुबा करके पानी के अंदर आपको अपने हाथों की उंगलियों को इस तरीके से चलाना है। इसे हम हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। इससे आपकी हैंड की मसल्स भी रिलैक्स हो जाएगी और इसके बाद जो इन एक्सरसाइज को मैंने आपको बताया वो एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को आप दिन में दो टाइम कर सकते हैं, सुबह शाम, और जब भी आप राइटिंग वर्क करते हैं तो उसके बीच में ब्रेक लेकर के भी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को कर सकते हैं जिससे आपकी हैंड की मसल्स स्मूथ और रिलैक्स। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो जो कि राइटर क्रैम के लिए एक्सरसाइज पे था। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग इस तरीके की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या जो लोगों का राइटिंग वर्क बहुत ज़्यादा है वो लोग भी अगर इन एक्सरसाइज को अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे तो उन्हें आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें राइटर क्रैम की प्रॉब्लम है। इससे उनकी राइटिंग स्पीड भी वीक होती है और राइटिंग भी ख़राब हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।